हाय फ्रेंड्स, सो लाइफ में ना कुछ काम करते रहना ज़रूरी है। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहती है। और कुछ ना कुछ काम में हम हमारे दिमाग को बिज़ी रखते हैं तो ओवर थिंक की प्रॉब्लम से भी बच जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होता था। सो मैंने यहाँ पे DIY स्टार्ट कर दिया है एंड मेरे पास यहाँ पे सीमेंट पड़ा हुआ था। सो मैं यहाँ पे DIY कर रही हूँ, उससे एक टेबल बना रही हूँ। एक्चुअली अमेज़ॉन से मैंने एक टेबल ऑर्डर किया था, उसको देख के फिर मुझे लगा कि चलो इस तरीके का DIY मैं भी कर सकती हूँ। सो यहाँ पे ये पोछा आता है, उसकी जो लकड़ी होती है तो वो मैंने यहाँ पे ले ली है। पोछा ख़राब हो गया था, मैंने फेंक दिया था, और यहाँ पे ये लकड़ी ली है, उससे मैंने ये 3 साइज़ में मैंने कट कर दी है। और यहाँ पे उस तरीके से सीमेंट में डुबो के रख दिया था। और यहाँ पे ये टेबल रेडी हो गया है और उसको मैं कलर कर रही हूँ। और मेरे पास ये कलर भी पड़ा हुआ था। आपको पता हो तो लास्ट ईयर मैंने एक मंदिर का डेकोरेशन वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये कलर यूज़ किया था। सो मेरे पास कलर भी पड़ा हुआ था, उसको मैं भी यूज़ कर रही हूँ। ओके गाइस, सो अगेन यहाँ पे ये जो कर्टेन की पाइप है वो भी हम लोग रेंट पे रहते हैं तो अलग अलग साइज़ की विंडो होती है, हर जगह सेम विंडो नहीं होती। सो मैंने यहाँ पे कर्टेन की जो मेरी पुरानी पाइप है उसके अंदर पोछा की लकड़ी होती है उसको मैंने ऐड कर दी है। और यहाँ पे ये कॉपर कलर की पाइप थी, सो मैं कॉपर कलर यूज़ कर रही हूँ। इससे ना जो पोछा की लकड़ी है वो दिख भी नहीं रहेगी। और यहाँ पे ये जो टेबल है उसको मैं दूसरी बार कलर कर रही हूँ जिससे वो शाइन में हो जाए। और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कि जो मैंने DIY किया है कर्टेंस की जो पाइप में, तो यहाँ पे देखो लग ही नहीं रहा। अगर आप पास से देखोगे तो पता चलेगा कि ये पोछे की लकड़ी यूज़ की है, वरना आपको दूर से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। सो इस तरीके से मैं कुछ DIY करती हूँ। जहाँ पे मुझे लंबी पाइप की ज़रूरत होती है वहाँ पे मैं थोड़ी सी वो जो लकड़ी होती है वो खींच के थोड़ा सा लंबा कर देती हूँ। तो ये कुछ DIY है जो मैंने यूज़ किया है। सो गाइस, ये है मेरे बालकनी का दरवाज़ा जहाँ पे इसे बहुत सारी छिपकली आ जाती है। और ये दरवाजे के ऊपर की तरफ इतनी ज़्यादा गैप है कि बड़ी बड़ी छिपकली आ सकती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो चादर और दुपट्टे से ढका हुआ है सारी गैप, मतलब चारों ओर गैप है, और उसको मैं इस तरीके से फिल की हुई। लेकिन ये देखने में बहुत ख़राब लग रहा है और इसीलिए मैं यहाँ पे कर्टेन ऐड करने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे कर्टेन लगा देती हूँ। तो रात को ही मैंने मेरे हस्बैंड से यहाँ पे ड्रिल करवा लिया था। सो आज मैं एक ये जो कलर की हुई जो कर्टेन पाइप है उसको यूज़ करने वाली हूँ और ये परफेक्ट फिट हो रही है। थी पोछे की लकड़ी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो यहाँ पे एक मेरे पास ये वाला कर्टेन है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ था और इसके अंदर परफेक्ट मैच हो रहा है, इसीलिए इसको ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। वो भी मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे और मुझे 550 रुपीज में ये 6 पैर मिली थी। काफी हद तक कवर हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे की तरफ थोड़े से बड़े हैं कर्टन,
लेकिन वो मैं कट करवा लूंगी, लेकिन ये जो बहुत गंदा दिखता था उससे बहुत बेटर दिख रहा है। सो कुछ DIY करके हम अपने घर को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ये हमारा खुद का घर नहीं है, रेंट पर रहते हैं, इसीलिए जैसा है वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे हम कलर भी नहीं करवा सकते मकान को, क्योंकि जो मकान मालिक है उनकी परमिशन नहीं है। सो यहाँ पे नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा ये जो कलर है वो निकल चुका है। फिर भी मैं कुछ ना कुछ DIY करके अपने तरीके से उसको सही करने की कोशिश करती हूँ और घर को ब्यूटीफुल लगने और बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर्टेंस को इस तरीके से लगा के उसके बाद अब मैं बेडशीट चेंज करने वाली हूँ। वैसे भी यहाँ पे फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, सो ये बेडशीट चेंज करना तो मस्ट है। और ये जो बेडशीट है वो मैंने मीशो से ऑर्डर की हुई थी, और उसके साथ जो दोहार, आई गेस दोहार ही बोलते हैं उसको, तो वो मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया हुआ था। और साइड में जो ये छोटा सा 5 कंपार्टमेंट स्टोरेज बॉक्स है वो भी मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया हुआ था एक जो है। और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा कॉर्नर को लुक देने के लिए मैं यहाँ पे टेबल के ऊपर एक फ्लावर पॉट लगा रही हूँ। सो इस तरीके से कुछ लग रहा है मेरा घर। सो बेडरूम को क्लीन करने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ लिविंग रूम में। और यहाँ पे ये जो सोफ़ा है वो मैंने अमेज़ोन से ही ऑर्डर किया था, और ये सोफ़ा कम बेड है। आप उसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। सो अब मैं इसको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, आप आराम से अकेले भी मूव कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे उसको मूव करने के बाद यहाँ पे उसकी जो सोफ़ा कवर है वो बिछाने वाली हूँ। और ये कोई मैंने परचेज़ नहीं किए, ये मेरे सासू मॉम ने मुझे दिए हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग हो गया है गाइज मेरे घर में, क्योंकि मेरे ससुराल में ये सब कुछ मेरे पास ही था। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग हो रहा है। ये मैं कारपेट भी इसी टाइप का लगा रही हूँ। और ये जो टेबल है वो मैंने यहाँ पे एक लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया है, और ये भी फोल्डेबल है, तो इसको भी आप आराम से यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग रहा है मेरा लिविंग रूम।